भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, अगर आपके अंदर दोष है तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बिल्कुल एसएस कोचिंग सेंटर की तरफ से मैं फौजी सोहन चौधरी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि जो आपने अभी 4 मई तक आपने दिन और रात एक करके और आपने अलग अलग प्रकार के जो आपने आर्मी के पेपर दिए उनके अंदर आप पास हो और टाइम से अपना फिजिकल करके जो आपका वर्दी का सपना है उसको आप पूरा करें। तो दोस्तों, आज अपने ये हमारे पास में अभी अपने आज है 4 मई, 4 मई है दोस्तों, और हमने अपने एसएस फिजिकल एकेडमी के अंदर एक आर्मी का नया बैच स्टार्ट किया है। तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लड़के आए हुए हैं। तो आज अपने ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये लड़के अभी से फिजिकल करने के लिए क्यों आ गए और इनके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो रहा है कि मेरे को 100% फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अभी मैं इन लड़कों से एक एक करके अपन इनसे पता करेंगे इन लड़कों के, इन जवानों के कितने कितने परसेंट करके आए हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। तो सवाल दोस्त, क्या नाम आपका? राकेश। राकेश, किससे दिया पेपर? आर्मी जीडी। आर्मी जीडी, कितने सवाल किए? 35। दोस्तों ये बताना, 35। मेरा नाम मनीष है और मैंने आर्मी जीडी से फॉर्म भरा और 35+ सही। 35+, शाबाश। मेरा नाम मुकेश है और मैंने आर्मी जीडी से फॉर्म भरा है, 38+ क्वेश्चन सही। 38+, शाबाश। मेरा नाम गोपाल जांग है, आर्मी जीडी से फॉर्म भरा, 37+ सही। 37+। मेरा नाम जितेंद्र है और मैंने आर्मी जीडी से पेपर दिया है और मेरे 35+ क्वेश्चन सही है। 35+, शाबाश। मेरा नाम राहुल थालोड़ और मैंने आर्मी ट्रेडमैन से पेपर दिया है, मेरे 39+ क्वेश्चन सही है। दोस्तों, ये ट्रेड से दिया लड़के ने और 39+ बता रहा है। आपके? मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैंने आर्मी जीटी से फॉर्म भरा है और 35+ क्वेश्चन सही है। 35+, शाबाश। मेरा नाम लकी कुमार है और मैंने आर्मी जीटी से फॉर्म भरा है, मेरे 35+ क्वेश्चन सही है। 35+। आपके? मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, मैंने आर्मी जीटी से फॉर्म भरा है और 37+ सही है। 37+। तो दोस्तों, कुल मिला के इन लड़कों का एवरेज आ रहा है 35, 36, 37। और हमने दोस्तों कई अलग अलग सेंटरों के अंदर जाके हमने रिव्यू भी लिया है, लड़कों से हमने बच्चों से बातचीत भी करी है, एवरेज दोस्तों ये रहा 35, 36, 37। तो दोस्तों, जिस लड़के के 35, 36, 33+ भी अगर आपके पर्सन सही हो रहे हैं जीडी के अंदर, तो 100% आपको फिजिकल के लिए पक्का बुलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार जो लड़का जिसके 30+ भी सवाल सही थे, वो लड़का उनको फिजिकल के लिए बुलाया था और उसके अंदर दो लड़कों ने 30 only 4 जिसके 30 सवाल सही थे और उसने फिजिकल के अंदर 100 में से 100 नंबर खींच लिए, वो लड़के आज ऑन ड्यूटी नौकरी भी कर रहे हैं। हमारे ग्राउंड से 6 लड़के लगे थे जिसके अंदर 4 लड़के इस प्रकार के थे, वो ओनली फॉर पासिंग में थे, लेकिन एक्सीलेंट आने की वजह से दोस्तों आज वो लड़के अलग अलग सेंटरों के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने 6 महीना अपना माता पिताजी का नाम रोशन करने के लिए रात दिन आपने जो एक करके जो आपने पेपर की जो ये फाइट करी है, अभी दोस्तों एक स्टेप आपका पूरा हो चुका है और दूसरा स्टेप है बिल्कुल आपका फिजिकल का। तो दोस्तों, फिजिकल भी पेपर की पेपर से भी हार्ड होता है फिजिकल, और फिजिकल के बाद में आपका हो जाएगा मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपका क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद में फाइनल लिस्ट लग जाएगी और आप ऑन ड्यूटी हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई स्टूडेंट हो जो अपने आप को कमजोर मानता हो, वैसे कमजोर कोई नहीं होता, अगर फिर भी कोई अपने आप को यह मानता हो या पढ़ाई के अंदर इतना बिजी था कि वो फिजिकल नहीं कर पाया, तो बिल्कुल इस प्रकार का कोई स्टूडेंट हो तो एसएस फिजिकल एकेडमी कुचामन सिटी के अंदर आप आके बिल्कुल गारंटी के साथ में आप अपना फिजिकल कर सकते हो। दोबारा सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।